शांति। एक महिला ने एक सफेद साड़ी खरीदी और वो साड़ी बहुत समय तक उसने यूज की और एक दिन वो साड़ी खराब हो गई, बहुत मैली हो गई। तो फिर सोचा इसका क्या करूं, तो उसको फिर झाड़ू पोछा के लिए यूज किया और झाड़ू पोछा के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के बाद फिर ऐसा एक समय आया कि वो झाड़ू पोछे के भी काम की नहीं रही। तो फिर उसने वो जो कपड़ा था और इतना गंदा हो गया था, उसको कई बार धोया भी था परंतु फिर भी गंदा था, जब ऐसी हालत हो गई तो फिर उसने उसको फेंक दिया सड़क पर। और सड़क पर एक दिन एक संत जा रहा था तो उसको वो खराब सा कपड़ा दिखा, उसको लगा इसका मैं कुछ तो प्रयोग करूं, तो वो लेके गया मंदिर में। उसे रोज दिया जलाना होता था तो पहले वो नदी के किनारे ले गया और उसको बहुत धोया पानी से, फिर उसको साबुन लगाई पर फिर भी वो गंदा तो था ही। फिर उसके पास एक लकड़ी थी, उस लकड़ी से उसकी पिटाई की और तब उसके जब रेशे रेशे धागे धागे हो गए तो फिर उसने एक एक धागे का प्रयोग दिया जलाने के लिए किया। तो जो वस्तु एकदम ही खराब हो चुकी थी वो किसमें काम आई? भगवान कि मंदिर में काम आ गई। पानी, सोप और लकड़ी स्टिक दूरी करने वाला, जब आत्मा भी गटर में गिर जाती है तब उसे भी ऐसा कोई मिल जाए मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, रहनुमा, गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, जो उसकी सबसे पहले ज्ञान के पानी से क्या करे, धुलाई, अच्छे से धुलाई और फिर परमात्मा प्रेम के साबुन से उसको साफ करे, उसका मैल निकाले और फिर उसको किस से धोए अच्छे से। लकड़ी कौन सी चाहिए? वैराग की, अच्छी वैराग की लकड़ी हो और उस लकड़ी से उसकी अच्छे से धुलाई करे, तब कहीं जाकर वो खराब कपड़ा
वो आत्मा रूपी कपड़ा जो कि गटर में जाकर पूरा ही खराब हो गया था, वो क्या हो जाएगा? भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा और भगवान की सेवा में काम आएगा और स्वयं में प्रकाश बन जाएगा और विश्व को प्रकाशित करेगा। तो कुमारियों के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। किस में नहीं गिरना है? गटर में नहीं गिरना है। सात प्रकार के गटर बताए हैं फर्स्ट ग्रुप में, केवल पांच ग्रुप है, उसका केवल पहले ग्रुप की चर्चा आज करेंगे। पांच कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाबा मिले हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है उसमें, हाँ कुमारी अर्थात रूहानी कुमारिया, कुमारी अर्थात आत्म अभिमानी, कुमारी अर्थात देहवान में गिरने वाली नहीं, कुमारी अर्थात आत्मा को देखने वाली। एक सोल कॉन्शियसनेस, एक सोल कॉन्शियस विजन, ये दो चीजें होगी, वो है रूहानी कुमारी। तो कुमारी अर्थात आत्म अभिमानी, कुमारी अर्थात आत्मा को देखने वाली, कुमारी अर्थात देहभान में आने वाली नहीं, देहभान में आना अर्थात गिरना, और आत्म अभिमानी बनना अर्थात बाप के समीप जाना। दो चीजें हैं, एक है उधर और एक है इधर। देहभान में जाना बीसी बॉडी कॉन्शियसनेस और एससी सोल कॉन्शियसनेस। बीसी में गया अर्थात गिरना और एससी में गया अर्थात बाप के समीप जाना। ये बीसी बड़ा ही डेंजरस थिंग है, बीसी गेम, बीसी टॉक्स। तो बाबा ने कहा कुमारी अर्थात गटर में गिरने वाली नहीं। तो आशीष भाई सात प्रकार के गटर बताए, कौन कौन से बताओ? पहला ग्रुप केवल कुमारियों का, सेवन एस, सब एस से चालू करेंगे, बना देंगे, मतलब होते नहीं है पर हम बना देंगे हमारे हाथ में है सबसे पहला तो संडे बेस्ट, संडे बेस्ट कपड़ों के लिए कहा जाता है। संडे बेस्ट अर्थात वस्त्रों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। ही इज इन हिज संडे बेस्ट, एक तो उसके पास जो सबसे अच्छे कपड़े उसके लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा अर्थ है कपड़ों, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा गटर तो बाबा ने किया है, कुमारियों को कौन सा आकर्षण होता है? कपड़ों का, अच्छे अच्छे कपड़े, यही एक गटर है माया का। अभी कुमारियों से मुलाकात चालू है वैसे ये कुमार कुमारियों की बात नहीं, आत्मा की बात चल रही है। तो सबसे बड़ी माया, एक बड़ी अरविंद भाई ने कराया था फैशन, व्हाइट व्हाइट में भी अलग अलग प्रकार की फैशन। तो यही एक बहुत बड़ी माया है। और इसके पहले भी सुनाया है कि इस्लाम धर्म में इसका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कपड़ों के विषय में, और स्त्रियों के लिए विशेष पांच चीजें कही है स्त्रियों के कपड़ों के लिए इस्लाम धर्म में। सबसे पहले, पहली बात, कपड़े ऐसे हो कि जिसमें हाथ और मुंह बस इतना ही दिखाई दे, स्त्रियों के लिए जो कहा हुआ है। उसमें भी बहुत सारी चीजें, नकाब और वो सारा, उस बुरखा और बहुत सारा, तो केवल हाथ और चेहरा, कई कई जगह पर चेहरा भी नहीं दिख रहे, केवल हाथ और ये पैर, बस ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कपड़े पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम पुरुषों के जैसे ना हो, ये ब्राह्मण परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में भी कई कई पुरुषों के जैसे कपड़े पहनते हैं,
मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस्लाम बहुत स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। ये तीसरा। चौथा, भड़कीले, भड़काऊ, रंग बिरंगी, आकर्षित करने वाले, उस टाइप के कपड़े ना हो, कोई दीवाना ही हो जाए। और पांचवा, काफिरों के जैसे ना हो। काफिर अर्थात जो भगवान को न मानते, कुफ्र करते हैं। इस्लाम में काफिर अर्थात जो खुदा को नहीं मानते, दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते, आराधना करते, उनको कुफ्र करने वाले कहते हैं। बहुत बड़ा अपराध माना गया है इसको, काफिर। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म उसको क्या कहता है? मलेच्छ, मलेच्छ, बहुत ही शूद्र, उन जैसे ना हो। ये स्त्रियों के कपड़ों में ये पांच चीजें। पहला, ढका हुआ हो। दूसरा, पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ऐसे कपड़े कि पतले पतले पारदर्शी होने हो। तीसरा, पुरुषों के जैसे ना हो। फिर भड़काऊ, भड़की लेना हो, और काफिरों के जैसे ना हो। इसमें एक और एडिशन किया जाता है, टाइट ना हो, ढीले हो। इसमें भी एक टाइट पहनना और ढीले पहनना, इसमें क्या अंतर है? टाइट कपड़े किसका सूचक है? टाइट कपड़े किसका सूचक है? टाइट कपड़े सूचक है बेचैनी का। टाइट कपड़े सूचन है जैसे हम तैयार है लड़ने के लिए, जैसे मिलिट्री, उनके कपड़े ढीले नहीं होते। मिलिट्री के कपड़े देखे क्या? टाइट। और जो सोते समय क्या पहनते हम? रिलैक्स। संत महात्मा योगी पुरुष क्या पहनते हैं? ढीले ढीले। जीसस क्राइस्ट का देखा ना कैसे पहनते, गुरु नानक जी क्या पहनते हैं? टाइट पहनते हैं क्या? एकदम ढीले। ढीले अर्थात शांत मन का प्रतीक है। ढीले वस्त्र शांत मन का प्रतीक है। और चुस्त कपड़े किसका प्रतीक है? कठोरता या लड़ाई या बिल्कुल अभी युद्ध के लिए तैयार है, वो उसका प्रतीक है चुस्त कपड़े। हाँ, गरीबी। तो सबसे पहली माया है संडे बेस्ट अर्थात क्लोथ्स, कुमारियों की सबसे पहला एस संडे बेस्ट। दूसरी माया का गटर सिल्वर स्क्रीन अर्थात सिनेमा। सिनेमा को सिल्वर स्क्रीन कहा जाता है। सिल्वर स्क्रीन सिनेमा को कहा जाता है, लिख लो। हाँ, तो सिनेमा सारी स्क्रीन, स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन। अविद्या, तो सिनेमा दूसरी माया, यह सबसे बड़ी माया है। वर्तमान में सबसे बड़ी माया यही है। जितने विकार यदि यज्ञ में भी प्रवेश हुए होंगे, यही एक सबसे बड़ा द्वार है जहां से सारे विकार प्रवेश किए। सब यहीं से सीखा, सारी इमेजिनेशन यहीं से आई, सारी कल्पनाएं, सारा डायलॉग्स सब यहीं से सीखा है आत्माओं ने। और ये जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं वो? किस तरह का उनका जीवन है, किस तरह का उसमें चरित्र है, स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है यहाँ के लोगों का, आध्यात्मिक चरित्र क्या है? जीरो। होगा कोई कोई बहुत, इनमें भी कुछ कुछ अच्छे लोग हैं जिनका लक्ष्य होता है समाज के लिए कुछ करे, सिखाए। पर ये जो फील्ड है इसमें बहुत गंदगी है। जो डायरेक्टर बोले वो करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है। और इसको देखने वाले ये भूल जाते हैं कि ये एक्टर्स है, ये भूल जाते हैं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। उनको लगता है ये सच है, उनको लगता है ये वास्तव में हो रहा है। इसके लिए तो सिनेमा हॉल में अगर देखा जाए तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो उनको पता है वो झूठ है, फिर भी आंसू तो बहते हैं इधर जुदाई आंसू बह रहे।
किसी पर अत्याचार हो रहे, इधर आंसू बह रहे, पता है वो झूठ है, फिर भी क्योंकि वो 3D है, 3D दिखाई दे रहा है सब कुछ, उसमें लाइव दिखा रहे हैं सब कुछ, इसके लिए उसका इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए सिनेमा का इंपैक्ट समाज पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सब कुछ समाज ने जो सीखा है सिनेमा से सीखा है, वो लोग जो दिखाते हैं बस वही करना चाहते हैं। यहां तक कि जब रामायण 1988 में रामायण दिखाया गया था, कितने बच्चों ने आंख फोड़ ली थी एक दूसरे की, अपने आप ने तीर बनाए और चालू हो गए। अब ये तो सोचा भी नहीं होगा रामानंद सागर जी ने कि ऐसा भी होगा, उन्होंने तो कितनी ऊंची भावना से वो सीरियल बनाया, पर बच्चों ने क्या किया, तीर कमान से मैं रावण तू लक्ष्मण तू ये तू वो और चालू हो गए। बहुत सर आपने भी किया तो सिनेमा ये भी माया का गटर है, जबरदस्त गटर है ये। एक क्यूरियोसिटी उसमें क्या है, क्यूरियोसिटी देखू तो क्या है, आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी माया है। रिलैक्सेशन एंटरटेनमेंट, परंतु बहुत बड़ी कीमत चुकाकर एंटरटेनमेंट मिलता है, ये ब्रह्मचर्य को दांव पर लगाकर ये एंटरटेनमेंट प्राप्त होता है, कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ती है छोटे से एंटरटेनमेंट के लिए। और वो एंटरटेनमेंट वास्तव में लाइट नहीं बनाता, और हेवी कर देता है, मन को भारी कर देता है। बाद में शुरुआत में ऐसा लगता है हल्कापन आ गया है, पर बाद में दुख तो वही का वैसा कि वैसा ही है। व्यक्ति क्यों जाता है वो देखने, थोड़ा सा हल्कापन आ जाए, भूल जाओ अपने दुख दर्द, जो शराब का है असर वो ही, इसका भी वही है। जब तक वो शराब का असर है तब तक वो दुख भूल जाएगा, शराब का असर खत्म हो गया दुख लौट कर आ जाएगा, और ज्यादा दुख हो जाएगा तब तो। जैसे कोई अंधेरी रात में जा रहा है, अंधेरा है, अचानक से वहां से गाड़ी आ गई और उसका लाइट हमारी आंखों में आ गया, और लाइट तो आ गया, गाड़ी चली गई, उसके बाद में अंधेरा और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, हम जा रहे हैं अंधेरा है फिर भी दिख रहा है, पर एकदम से लाइट का प्रकाश आंखों पर आया और गाड़ी चली गई, उसके बाद में अब तो अंधेरा और बढ़ गया। ये भी वैसा ही है, दुख दूर नहीं होता है शराब पीने से या सिनेमा जाने से, और ही बढ़ जाता है। तो पहला संडे बेस्ट कपड़े, दूसरा सिनेमा, तीसरा संबंध, मां बाप में मोह, कुमारियों से मुलाकात चालू है, मां बाप में मोह, मेरी मम्मी, मेरे डैडी और मेरा भैया और मेरी दीदी और मेरी आंटी, हाँ सहेली, नानी, मेरे दोस्त, सारे संबंध। बाबा ने दो ही का ही वर्णन किया है, मां बाप में मोह, ये भी एक बंधन है बहुत बड़ा। भगवान रूहानी कुमारियों को तैयार कर रहे, वो कुमारिया जो अष्ट शक्तियां होगी, वो कुमारिया जो विश्व का उद्धार करने वाली है, वो कुमारिया जो शिव शक्तियां है, वो कुमारिया जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, उन कुमारियों को भगवान तैयार कर रहा है। साधारण कुमारियां नहीं है ये, संसार की कुमारियां नहीं है ये, लौकिक कुमारियां नहीं है ये, अलौकिक कुमारी है, शिव शक्तियां है, उनके लिए ये सब मोह बंधन वर्जित है, वो उनके लिए नहीं बनी है, ये सब के लिए। उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विश्व उनका कुल है, सारा विश्व का उद्धार करने के लिए वो अवतरित आत्माएं हैं, शक्तियां है, शिव अर्धांगिनी है, शिव प्रिया है, बाल ब्रह्मचारिणी है, अनटच्ड। तो संबंध का मोह भी क्या है, गटर। गटर शब्द कहने से ही क्या होता है, कहां सागर बाप
और कहां गटर, दुर्गंध, बदबू। गटर से क्या आती है? सड़ांध, घृणा होती है लोगों को। उधर गटर हो तो इधर से जाते हैं। ये शरीर ही एक बहुत बड़ा गटर है। सबसे पहले तो संबंध, उसके बाद में चौथा साइट सीइंग, घूमना फिरना, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, ये भी देख लूं वो भी देख लूं। और देखने जाते हैं वो भी ठीक, पर देखते भी कहां है, बिजी किसमें रहते हैं? प्रकृति का आनंद लेना वो भी चलो ठीक है, पर प्रकृति को देखते कहां है? आए सबसे पहला काम जो करते हैं वो इधर खड़े उधर खड़े, इसके साथ उसके साथ, वो हो गया चलो घर, फिर बाद में ये फोटो बाद में देखेंगे। वो टाइम कभी नहीं आएगा, वो टाइम कभी नहीं आएगा। वो एक विदेशी लेखक ने वर्णन किया है, एक बार उसके पास कोई मेहमान आता है, वो कवि है, मेहमान आता है तो वो स्विट्जरलैंड में तालाब है नक्की जैसा हमारा इधर है लोकल, तो अपने तालाब में उसको नैया नौका विहार करने ले जाता है। तो वो जो, ये तो कवि है, वो जो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो वहां के सौंदर्य बहुत सुंदर है, परंतु वो वर्णन कर रहा है कहीं और जगह का, हमने ऐसा देखा हमने वैसा किया, उधर भी वैसा था उधर भी वैसा था, और इधर का देख ही नहीं रहा है। और बाद में फिर कहता हाँ ये बहुत अच्छा था। वो कभी कहता है तो तुमने देखा ही कहां, जो तुम कह रहे हो बहुत अच्छा था, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं और थी। तो साइट सीइंग ये भी क्या है, एक गटर, टाइम वेस्ट। लक्ष्य से जा रहे वो ठीक है, ज्ञान योग वाली साइट सीइंग है तो बहुत अच्छा है, ज्ञान वाली पिकनिक है तो बहुत अच्छा है, ऐसी पिकनिक की जिसमें मौज एंटरटेनमेंट भी हो परंतु ज्ञान की चर्चा भी हो, ज्ञान का चिंतन भी हो, डिस्कशन भी हो, थोड़ा सा बीच में बैठ के थोड़ा सा योग भी हो, उसमें सब कुछ हो। खाली प्योर एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं जिसमें ज्ञान, क्योंकि हमारा तो एंटरटेनमेंट ही ज्ञान योग है, ऐसी पिकनिक, ऐसा एक्सकर्शन, ऐसा घूमना फिरना जिसमें केवल संसार की ही बातों का चर्चा है, उसमें ज्ञान योग का नाम निशान नहीं है, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम है। एक तो वेस्ट ऑफ टाइम, दूसरा शरीर उसमें थकता है, और उसका प्रभाव दूसरे दिन भी रहता है, फिर रहता है कि नहीं आशीष भाई, दर्द इधर उधर। ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा घूम लो और फिर बैठ के वहां चिंतन करो पहाड़ों पर। तो साइट सीइंग, उसके बाद में पांचवा संघ, संघ का गटर, ये भी कहा है उसी मुरली में, इतना छोटा सा पैराग्राफ है बहुत कुछ कह दिया। संघ, संघ भी एक गटर है, दोस्ती ऐसी, सहेली ऐसी बना दी कि उसको ये सभी चीजों में इंटरेस्ट है, तो क्या करें, अभी उसका तो सम्मान प्रेम तो है उससे, तो वो जैसा कहती है करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती ऐसी बना के रखी है, सहेली ऐसी है। उसको हाँ, तो क्या कर सकती बेचारी, वो कहती है चलो होटल जाते हैं पार्टी मनाने, बर्थडे सेलिब्रेशंस, एक दिन से जाने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता है। हाँ तो हम सोचेंगे कि हम उसको ज्ञान योग में रंगाएंगे, और वो हम कब उसके रंग में रंगे हमें भी पता नहीं चला, उसको बाप के रंग में रंगने गए, हम माया के रंग में रंग गए। तो संग भी एक बहुत बड़ी माया का गटर है, पांचवा। उसके बाद में छठवा, स्पाउजल्स, स्पाउस अर्थात पति या पत्नी, स्पाउजल अर्थात मैरिज अर्थात शादी, इसको तो मुख्य रूप से बाबा ने क्या कहा है, ये गटर है शादी, शादी में जाना नहीं करना, शादी ये भी क्या है एक, इसके लिए क्या कहा बाबा ने, शादी करके दो बातें, एक तो जल मरती है या तो वापस आ जाती है उधर से,
ठोकर भी खाती है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है शादी में। ये तो खाली कुमारियों की बात छोड़ो, कभी वो कुमार भी दुखी है तो वो कुमारी भी दुखी है, कभी पुरुष भी दुखी है तो कभी महिला भी दुखी है, पति दुखी है कभी तो पत्नी दुखी है पर दोनों दुखी, पर परसेंटेज में अंतर है, कभी वो दुखी कभी ये दुखी, कभी वो उसके वश में कभी वो उसके वश में। जैसे एक राजा ने एक बार कहा अपने सभी सभा 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 में कहा कि जो अपनी पत्नियों के वश में है और कौन अपने पतियों के वश में है ये मुझे देखना है। तो जो जो सभासद है जो जो अपनी पत्नियों के वश में है वो एप्पल रखा हुआ है वो लेके जाएंगे, और जो जिन्होंने अपने पत्नी को वश में करके रखा है वो घोड़ा लेके जाएंगे। तो सब चुपचाप आगे एप्पल लेके गए, सेब ले लिया सबने, चुपचाप आगे लेके गए लेके गए लेके गए। पर एक एकदम तगड़ा व्यक्ति आया, एकदम मूछो वाला, उसने कहा मुझे घोड़ा चाहिए, और घोड़ा लेके चला गया क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को वश में कर रखा है, मैं नहीं डरता किसी से, मैं क्यों अपनी पत्नी से डरूं, वो मेरे वश में है। तो उसके लिए बहुत तालियां बजी। तो वो काला वाला घोड़ा लेके गया परंतु एक घंटे में वापस आ गया, उसने कहा कि काला नहीं चाहिए, पत्नी ने कहा कि काला अशुभ होता है सफेद लेके आओ। तो राजा ने कहा घोड़ा रख बाजू में, एप्पल लेके जाओ। तो वो एप्पल लेके चला गया। उस रात आधी रात हुई, फिर राजा का मंत्री आ गया और मंत्री कहने लगा कि ये बात तो ठीक है एप्पल और वो सब, परंतु मेरा ये कहना है कि ये चीजें रखने से अच्छा आपको थोड़ी महंगी चीजें रखनी चाहिए थी, सोना चांदी ये सब चीजें रखनी चाहिए थी, वो आपने क्यों नहीं रखी। तो राजा ने कहा मैं क्या करता, महारानी ने कहा महारानी ने कहा कि सेब रखो और घोड़ा रखो। तो मंत्री ने कहा कि मैं आपको सेब काट के दूं, अभी दूं कि बाद में दूं। तो राजा पूछता है तुम इतनी रात गए क्यों आ गए ये पूछने। वो कहता है पत्नी ने कहा अभी जाके पूछ के आओ। राजा कहता है सेब यहीं खाओगे या घर भिजवा दूं। तो बड़ा बंधन वाला जीवन है वो, जो उसमें नहीं गए हैं नहीं जाए, और जो चले गए हैं अब उनका क्या, टांग टांग दे दो, पंख दे दो, आग दे दो, तो ये भी एक कुमारियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इसमें तुमको जाना ही नहीं है, ये बंधन में जाना ही नहीं है, ये माया का कटर है सबसे पहला, क्योंकि एक तो जल मरते या तो वापस आ जाती है, और चलो रहते भी है तो परंतु कुछ ना कुछ खिटपिट 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 चालू ही रहती है उसमें, उसमें कोई अंत ही नहीं है उसका। ऐसे तो बहुत ही कम होंगे जो दोनों ही है और दोनों ज्ञानी योगी है और दोनों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, एकदम प्रेममय जीवन। ये तभी हो सकता है जब दोनों ही महान योगी आत्माएं होगी, और तभी हो सकता है जब बीच में ज्ञान की तलवार होगी, ये तभी हो सकता है जब बीच में परमात्मा प्रेम होगा। घर का वायुमंडल ही अलौकिक होगा, गीता पाठशाला है, चाहे अधिकृत रूप से या अनधिकृत रूप से, जरूरत नहीं है कि होना ही चाहिए वहां सब कुछ, ये बिना कुछ किए ही घर मंदिर सा है। ऐसी भी आत्माएं हैं यज्ञ में, कम है पर। और लास्ट है सातवां, सफरिंग। ये स्पाउजल कहा सफरिंग, अर्थात बाबा ने कहा चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट चोट अर्थात हर्ट अर्थात सफरिंग। इंग्लिश मुरली में सफरिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक क्या है, माया का गटर, चोट पे चोट खाते जाना, गलती से गलती वही गलती रिपीट करते जाना, एक गलती की फिर रिपीट करना, फिर पश्चाताप करना, फिर गलती करना, फिर पश्चाताप करना, जेल बर्ड की तरह
जाना जेल में, बंद हो जाना, पश्चाताप करना, फिर वापस आना, फिर गलती करना, फिर जेल में जाना, तो सफरिंग। तो ये सब क्या है? माया के गटर सात। सबसे पहला बताया संडे बेस्ट। संडे बेस्ट अर्थात वास्तव में संडे बेस्ट शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो संडे छुट्टी होती है और अच्छे अच्छे कपड़े संडे को पहने जाते हैं, इसके लिए उसको संडे बेस्ट कहते हैं। परंतु बाद में यह शब्द का प्रयोग साधारण वस्त्रों के लिए होने लगा कि वस्त्रों के लिए संडे बेस्ट, तो एज फॉर संडे बेस्ट। तो कपड़े को ही माया ना बन जाए, या नए नए कपड़े लू, ऑलरेडी कितने सारे हैं और नए लू, नई स्टाइल वाले, व्हाइट में स्टाइल, बहुत सारी स्टाइल, शॉल भी ऐसी कि जिससे होता कुछ नहीं है, बड़े बड़े होल है उसमें, पहन किसके लिए रहे पता नहीं, मतलब उसमें ना तो ठंडी जाती है उससे, पर पहने तो जरूर है और उसमें फिर कॉस्ट कॉन्सियसनेस, ये इतने रुपए की है, वो उतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, उतने रुपए की है, कहां से लाया, कोई पूछे तो सही, होता उससे कुछ नहीं, पर ना तो गर्मी जाती है उससे, कुछ नहीं ठंडी नहीं, कुछ नहीं जाती है, स्टाइल है। तो तो कपड़ों की भी माया, और बहुत सारे कपड़े जमा करके रखना, पहले इतना है और जमा करके रखो, और जमा करके रखो, दे दो उसको, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कई सारे कुमार है, कई सारी कुमारियां है जिनके काम आएंगे, वो गरीब है, सेंटरों पर जाओ तो देखो कितने गरीब गरीब कुमार है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो हम दान कर दो उसको जो एक्स्ट्रा हमारे पास है। हाँ, दूसरा सिल्वर स्क्रीन अर्थात सिनेमा, सिन की माँ, टीवी अर्थात टीबी, ये सब बाबा के कहे हुए शब्द है। इसमें क्यूरियोसिटी भी रखना अर्थात वहां की चीजें बुद्धि में एंटर जाती, एंटर होती है, कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजों की, फिल्म एक्टर्स, उनकी जीवन, उनके अफेयर्स, उनकी न्यूज, उनकी स्टाइल, उनकी पार्टियां, सब व्यर्थ है, वो खुद ही दुखी है अंदर से, उनका जीवन अगर अंदर से झांक के देखो तो दुख ही दुखी है, ऊपर से दिखा रहे ये सब है, और उनका बहुत संघर्षमय जीवन है, बहुत कॉम्पिटिशन है उधर भी बहुत, चलो वो भी ठीक है, पर उसमें कॉम्पिटिशन कितनी है उनके अंदर, बहुत ज्यादा टेंशन है उसमें, एक कुछ गलत कर दिया तो कितने पब्लिक ओपिनियन उनके पीछे जुड़ जाते हैं, एक गलत शब्द बोल दो बस 20 साल का करियर पूरा खलास, सब कुछ खत्म। उसके बाद में संबंध में निर्मोही, आज की मुरली में कहा है, प्रश्न क्या है मंजू बहन आज का, अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या है, कोई भी याद ना है, संपूर्ण नष्ट हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है। उसके बाद में साइट सीइंग, साइट सीइंग अर्थात अभी यहां जाके आए, अभी आए नहीं तो दूसरी ट्रिप बना रहे, अभी वहां जाके आए अभी वहां का बना रहे, बस वही चालू है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर फिर देख रहे अभी कहां कहां जाना बाकी है, मेहनत तो सब में ही मेहनत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। हाँ, फिर उसके बाद में संग, किन व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों का संग करना जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुसंग है, ऐसे ब्राह्मणों का संग करना जिनको ज्ञान योग में रुचि नहीं है, कुसंग है, ऐसे ब्राह्मणों का संग करना जिनको चिंतन में, ज्ञान की चर्चा में रुचि नहीं है, कुसंग है, ऐसे ब्राह्मणों का संग करना जिन्हें समय का कोई भान ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं ये संगम युग चल रहा है, वो कुसंग है, ऐसे ब्राह्मणों का संग करना जो मधुबन का महत्व भूले हुए है, मधुबन है क्या, स्थान कौन सा है, किस स्थान पर हम बैठे हुए है, यह किसकी भूमि है, ये वो दादी प्रकाशमणि ने यहां तपस्या की है जिसका सारा जीवन, हड्डी हड्डी जिसने यज्ञ में दे दी, ये उसकी कर्मभूमि है, ये भूले हुए है, ये ब्रह्मा की कर्मभूमि है, ये भूले हुए है, ये पवित्रता के लिए इन्होंने इतना त्याग तपस्या की, ये भूले हुए है, ये वो भूमि है,
और उसी मधुबन भूमि में बैठकर टाइम वेस्ट अगर कर रहा है कोई, परचिंतन अगर कर रहा है कोई, ऐसी आत्माओं का संग भी कुसंग ही है। बेगरी लाइफ में क्या क्या उन्होंने किया और हम क्या टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं यज्ञ के रिसोर्सेस, हमारे व्यक्तिगत चीजों के लिए कितनी चीजें वेस्ट कर रहे हैं हम। दादी रतनमणि ने एक क्लास में कहा था, माउंट अबू में एक सेवाधारी के लिए, एक व्यक्ति के लिए रहने का एक दिन का खर्चा कितना है? एक व्यक्ति, चलो हिलॉक होटल में रहता है, हिल्टन में रहता है, एक दिन कितना खर्चा है यहां एक दिन का रहने का? माउंट अबू हिल स्टेशन है पहली बात, दूसरा यहां पे सब चीजें महंगी है, एक दिन का। यहां अगर कोई कहता है हम सेवा के लिए आए हैं, पहले तो यहां रह रहे एकोमोडेशन, फिर फूड, तीन बार का भोजन, और बीच में जो सैंडविच बनाता है वो अलग, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनाता है, इधर पोहा बना हुआ है पर जो एक्स्ट्रा पोहा स्पेशल वाला, एक दिन के। और हम कहते हैं हमने सेवाएं बहुत की, सेवाएं तो की पर ये तुम्हारा खर्चा देखो, एक दिन का खर्चा कितना है तुम्हारा यहां रहने का, कपड़े, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट, और क्या फैंसी सामान सारा, तो और ये है हमारी सेवा और ये है हमारा खर्चा, ये ग्राफ बनाओ इसका, तो कहां इक्वल हुआ? अगर इक्वल करना है तो तप करना पड़ेगा तो ही होगा, वो बिना उसके नहीं होगा। सेवाओं से कंपेंसेट नहीं होने वाला है, केवल सेवाओं से कुछ नहीं होने वाला है, कंपेंसेट नहीं होगा। कंपेंसेट किससे होगा? तप से, त्याग से, विश्व की सूक्ष्म सेवा से। आत्माओं को कितनी हमने सकाश दिकल कहा, लंगड़ों को टांग दो, अंधों को आंख दो, जिनको पंख नहीं है पंख दो, दुख की शैया में है सुख का गीत, चिंता की चिता पर है उसको खुशी का नाच, जो दिल शिकस्त है उसको उमंग उत्साह का गीत, और जो मरे हैं उनको जिंदा करो, और जो भिखारी है उनको मालामाल कर दो। ये आठ प्रकार की सेवा है। यहां बैठकर अगर हम नहीं कर रहे मन से तो ये बहुत बड़ा बोझ है। तो संग, फिर क्या, साइट सींग, फिर शादी, और लास्ट सफरिंग, चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट। ये भी एक गटरी है, गलती पे गलती, गलती पे गलती कुमारी जीवन में। तो कुमारियों के लिए कड़े वाक्य है ये सारे, माया की गटर से अगर फंसे हैं इनमें से किसी में भी बाहर निकलना है अपने आप को। ओम शांति।